भागलपुर के सुल्तानगंज से लेकर खगड़िया के अगुवानी के बीच गंगा नदी पर 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल रविवार की शाम गिर गया। 30 अप्रैल 2022 को भी इस पुल का पिलर नंबर 5 गिर चुका है। वहीं इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पुल नहीं, बिहार की जनता का विश्वास गिर गया है। दो दो बार निर्माणाधीन पुल का भरभरा कर गिर जाना प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी, 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राकलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अबर खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इधर पुल के दो बार गिर जाने से राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब पुल गिरा था तो वे विपक्ष में थे और सत्ता में आते ही उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना की IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसरों द्वारा जांच कराई जा रही है। प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे, IIT रुड़की एवं NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारी सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। 14 महीने में दोबारा सुल्तानगंज अगुवानी पुल के 3 पिलर गिरने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए और अधिकारी सकते में। एक साल भी नहीं हुआ, वो पाया गिरा हुआ है मोचरा के, अभी 3-3 पाया गिर गया, सब छोड़ के भाग गया है। ठेकेदार, इंजीनियर जितना भी है, सब छोड़ के भाग गया, पूरे खाली है। नहीं, तो पुल निगम का लापरवाही हो रहा है, पूरा लापरवाही है, सब घटिया वाला काम कर रहा है। 9-10-11 कैसे गिरा? वो अपने गिर गया, अभी एक बजे हम लोग पहुंचे वहाँ, अपने अपने गिर गया टोटल। ये पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण कार्य एक निजी कंपनी कर रही है। बावजूद इसके पुल के 3 पाए गंगा में दोबारा समा गए, जिस पर CM ने इस मामले में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुल गिरने से जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि रविवार होने के कारण वहां कोई काम नहीं हो रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस पुल का इस साल नवंबर दिसंबर में उद्घाटन होना था, लेकिन 14 महीनों में दो बार पुल का भरभरा कर गिरना इस बात का प्रतीक है कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है और सरकार अब जाँच की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।